हेलो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हो सामने हमारे हैं इलेक्ट्रॉनिक कांटे के मदरबोर्ड, ठीक है ना। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने इस मदरबोर्ड के बारे में बताया था कि आप इसे कैसे ठीक कर सकते हो अगर आपकी मशीन भागती है, उसका वजन दुखता नहीं है, ठीक है ना। वजन रखते ही उस पर भागने लगता है, तो वो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आप इस तरह का जो मदरबोर्ड होता है उसे कैसे ठीक कर सकते हैं, वो भी घर पे, ठीक है ना। तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो उसे जा करके देख लेना, उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा। उसके बाद में ये होता है हमारा 4 वोल्ट का कार्ड, तो इसके बारे में आज आपको बताऊंगा। इसके कनेक्शन भी किस किस तरह से करते हैं वो सब इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो दोस्तों, कनेक्शन दोनों के सेम ही होते हैं, ठीक है ना। ये मेरे पास है 4 वोल्ट का कार्ड और ये है 6 वोल्ट का कार्ड। दोस्तों, इसे क्यों लगाते हैं तो इसे क्यों लगाते हैं दोनों को बताऊँगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसके कनेक्शन की बात करते हैं। तो कनेक्शन करने के लिए दोस्तों, ये आपको 2 पॉइंट दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। ये देख लीजिए, यहाँ पे एक 2 पॉइंट है। तो यहाँ पे हमारी लगती है इसमें सप्लाई। अब दोस्तों, सप्लाई कितने वोल्ट और कितने एम्पियर की लगेगी वो भी बताऊँगा। तो यहाँ पे जो हमारी सप्लाई लगती है वो लगती है 0.12, 0.12 लगती है। 1.5 एम्पियर या 2 एम्पियर आप लगा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी 0.12 लगती है। उसके बाद में यहाँ पे इसकी बराबर में आप देखोगे, ठीक है ना। तो इसमें ये दोस्तों हमारे 4 पॉइंट हैं। तो इसमें दोस्तों दो होते हैं हमारे स्विच के, ठीक है, और 2 पॉइंट होते हैं हमारी बैटरी के, जो कि हमारी बैटरी चार्ज होती है उसके, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, ये जो इसके बराबर में 4 पॉइंट है। तो दो हमारे स्विच पर चले जाते हैं, दो होते हैं हमारे बैटरी के, ठीक है। अगर हम अपनी इलेक्ट्रॉनिक कांटे को बैटरी पर चलाते हैं तो इसमें यहाँ पे दो होते हैं पॉइंट उसे चार्ज करने के लिए, ठीक है। उसके बाद में इसमें जो हमारा लोड सेल होता है उसके कनेक्शन कहाँ पे होते हैं, तो लोड सेल के कनेक्शन इसमें यहाँ पे होते हैं, जिसमें आप यहाँ पे देख भी सकते हो लिखा हुआ है यहाँ पे, ये 4 पॉइंट है। तो हमारे लोड सेल में 4 वायर होते हैं, ठीक है ना। वो होते हैं ब्लैक, वाइट, ग्रीन और रेड, ठीक है। तो यहाँ पे इस मदरबोर्ड में लिखा हुआ भी है, सभी मदरबोर्ड में लिखा हुआ होता है ये 4 वोल्ट का है। इसमें भी आप देख सकते हो, इसमें भी लिखा हुआ है, ठीक है ना। इसमें थोड़ा छोटा लिखा हुआ है, ठीक है ना, पर लिखा हुआ है, ठीक है ना, ब्लैक, रेड, वाइट, ग्रीन, इसी तरह से इसमें भी लिखा हुआ है। तो जो हमारे लोड सेल के कनेक्शन है वो यहाँ पे होते हैं, आप देख सकते हो 4 पॉइंट है, ठीक है यहाँ पे। उसके बाद में यहाँ पे लगते हैं हमारा कीपैड, कीपैड के कनेक्शन, जिससे हम 0 दबा करके अपनी मशीन को 0 करते हैं, उस तरह जो कीपैड होती है वो कीबोर्ड के कनेक्शन यहाँ पे होते हैं, ठीक है, यहाँ देख सकते हो आप। अब दोस्तों, इसमें एक आईसी लगी हुई होती है, ये है 7805। तो दोस्तों, ये क्यों लगी हुई होती है ये भी बताता हूँ, तो आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, ये जो हमारी 4 वोल्ट की बैटरी है, अगर आप अपने इलेक्ट्रॉनिक कांटे को 4 वोल्ट से चलाते हैं तो उसे बैटरी को चार्जिंग करने के लिए यहाँ पे हमारी 7805 लगी हुई होती है, उसका यहाँ पे चार्जिंग सिस्टम होता है, ठीक है। और उसके दोस्तों 2 पॉइंट यहाँ पे होते हैं, जो कि हमारे मैंने पहले ही बताया आपको कि इसमें 2 बैटरी के होते हैं, 2 स्विच के। तो यहाँ पे इससे हमारी बैटरी से इलेक्ट्रॉनिक कांटा चलता भी है और चार्ज भी होता है, तो उसके लिए यहाँ पे एक 7805 लगी होती है। अगर हम इस तरह की 4 वोल्ट की बैटरी चार्ज करेंगे या इस तरह की बैटरी हमारी इस तरह के कार्ड के साथ में लगी हुई होती है, तो इस बैटरी को हम इसीलिए लगाते हैं ताकि वो इससे चार्ज हो जाए तो चल जाए, ठीक है। तो इसलिए ये 4 वोल्ट का कार्ड होता है और ये 4 वोल्ट की बैटरी होती है 2.5 एम्पियर की, ठीक है ना, जो कि हम इसके साथ में यूज़ करते हैं, ठीक है। अब दोस्तों, अगर आपकी मशीन में ये वाला कार्ड लगा हुआ है तो इसमें भी दोस्तों यही सेम है। इसमें के कनेक्शन भी यहाँ पे हमारी 0.12 की सप्लाई लगती है 1.5 एम्पियर की, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे हमारे 2 स्विच के, 2 बैटरी के, ये जो आप कनेक्टर देख रहे हो, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों जो देख रहे हो आप, यहाँ पे लगते हैं हमारी एलईडी, जो हमारी एलईडी की ग्लो करती है। दोस्तों, मैं बताना भूल गया, इस कार्ड में भी हमारे 2 पॉइंट और होते हैं जिस पे एक प्लस लिखा हुआ है, माइनस लिखा हुआ है। तो ये जो हमारी एलईडी होती है, जिससे हमें पता चलता है कि जब हम अपने जो मैन लीड होती है उसे लगाते हैं चार्जिंग पर, तो यहाँ पे जो हमारी एलईडी ग्लो करती है वो उसके कनेक्शन यहाँ पे होते हैं, ठीक है ना, जिसमें लिखा हुआ भी है प्लस और माइनस, ठीक है। उसी तरह से इस पर भी है। इस कार्ड में क्या है, इस कार्ड में दोस्तों 3 पॉइंट हैं, ठीक है ना। इसमें 2 थे, इसमें 3 है। इसमें 3 इसलिए हैं, ये जो बीच की पिन है ये है हमारी ग्राउंड की, ठीक है ना। अगर आप अपने जो इलेक्ट्रॉनिक कांटा उसे मैन पर चलाते हैं तो इसमें यहाँ पे मैन पर चलेगा, अगर इधर चलाओगे तो ये बैटरी पर चलेगा, ठीक है ना। अगर इसमें आप लगाना चाहते हो तो जो 3 पिन वाली हमारी एलईडी आती है उसे आप यहाँ पर लगा सकते हो, ठीक है। अब इसमें भी दोस्तों एक आईसी लगी हुई होती है,
जो कि आप देख सकते हो 7808, ठीक है ना। अब ये दोस्तों क्यों लगी होती है, ये लगी होती है इसलिए ताकि ये हमारी बैटरी इससे चार्ज हो जाए। ये छः इस तरह की 6 वोल्ट की बैटरी आती है, देख सकते हो आप, ठीक है ना। अगर आपके इलेक्ट्रॉनिक कांटे में इस तरह की 6 वोल्ट की बैटरी लगी हुई होती है तो वो इसीलिए लगी हुई होती है ताकि हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक कांटा है वो चार्ज हो जाए, इससे चल जाए, ठीक है ना। क्योंकि इसमें 7808 लगी हुई है इस बैटरी को चार्ज करने के लिए, ठीक है ना। उसी तरह से इसमें 4 पॉइंट है, ये मैंने बता चुका कि 2 स्विच के और 2 हमारे जो बैटरी के हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे जो हमारे कनेक्शन होते हैं ये होते हैं हमारे डिस्प्ले के, सेम इसी तरह से इसमें भी है। ये जो आप पिन देख रहे हो यहाँ पे हमारे डिस्प्ले के वायर लगते हैं, जो कि हमारी डिस्प्ले लगी होती है, ठीक है। इसमें भी यहाँ लगे होते हैं और इसमें भी यहाँ पे पॉइंट होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कांटे का जो मदरबोर्ड होता है उसके कनेक्शन होते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें जो हमारी आईसी लगी होती है वो थोड़ी छोटी होती है, ठीक है ना। ये दोस्तों देख सकते हो इसमें थोड़ी छोटी है, इसमें थोड़ी है बड़ी है। तो इस मदरबोर्ड का आपको मैंने बता दिया कि इसे यूज़ क्यों करते हैं और इसे यूज़ क्यों करते हैं। इसे इसलिए यूज़ करते हैं ताकि ये हमारी अगर इस तरह की बैटरी हमें लगानी है अपनी कांटे में, ठीक है ना, तो आप इस तरह की लगा सकते हो, ठीक है ना। इसे चार्ज करने के लिए ये इसमें 7805 लगी होती है, ठीक है। अगर आपके पास ये इलेक्ट्रॉनिक कांटा है और उसके अंदर ये मदरबोर्ड है तो इसमें जो 7805 लगी होती है वो इसलिए लगी होती है ताकि हमारी बैटरी अच्छे से चार्ज हो जाए, ठीक है। बाकी दोस्तों अगर आप जो हम मैंने दूसरी वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक कांटे का जो मदरबोर्ड है वो ख़राब हो जाता है उसे कैसे ठीक कर सकते हैं, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जा करके देख सकते हो, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।